कभी बनाना लिस्ट क्या क्या बनाया है बीवी ने। मेरे एक दोस्त ने एक लिस्ट बनाई है, सुनिए। वो कहती है बनाने में घंटों लगते हैं और खाने में पलभर। कभी कभी बड़े जतन से बनाती है, सुबह से तैयारी करके, कभी कुछ धूप में सुखा के, तो कभी कुछ पानी में भिगो के, कभी मसालेदार तो कभी कुर्सी मीठी, सारे स्वाद समेट लेती है। आलू के पराठों में या गाजर के हलवे में, ऊपर बारीक कटे धनिए के पत्तों में या पीस कर डाले गए इलायची के दानों में, सारे स्वाद समेट देती है एक छोटी सी थाली में। न जाने कहां कहां से पकड़ के लाती है, न जाने कितना कुछ तो होता है। कभी लिस्ट बनाना। बीवी ने जो कुछ भी कभी भी बनाया है तुम बना नहीं पाओगे। हमें भी बस खाना ही दिखता है, पर नहीं दिखती किचन की गर्मी, उसका पसीना, हाथ में गरम तेल के छींटे, कटने के निशान, कमर का दर्द, पैरों में सूजन, सफेद होते बाल, कभी नहीं दिखते। कभी तो ध्यान से देखो ना, उसकी छोटी सी रसोई में कोई दिखेगा तुम्हें जो बदल गया है इतने सालों में। दांत हिले होंगे कुछ, बाल झड़ गए होंगे कुछ, झुर्रियां आई होंगी कुछ तुम्हारे मकान को घर बनाने में, चश्मा लगाए हाथ में अपनी करछी बेलन लिए जुटी होंगी। आज भी वही कर रही है जो कर रही है पिछले 25-30 सालों से, और तुम्हें देखते ही पूछेगी क्या चाहिए। कभी देखना उसके मन के कुछ अनकहे जज्बात, दबी हुई इच्छाएं जो दिखती नहीं, क्योंकि जो दिखती नहीं उन्हें देखना और भी ज्यादा जरूरी होता है। जब रसोई से दो बिस्किट या रस हाथ में लेकर निकलता हूं कभी उसकी गैर मौजूदगी में, तब उसकी बात सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उसने सिर्फ खाना ही नहीं बनाया है इतने सालों में, तुम्हें भी बनाया है खुद को मिटा के। और याद है ना, बनाने में घंटों लगते हैं, खत्म एक बार में हो जाता है। पूरा घर बनाया है दिन रात मेहनत करके। कभी बनाना लिस्ट। और क्या क्या बनाया है बीवी ने, लिस्ट बन नहीं पाएगी। कोशिश करना, कभी बन नहीं पाएगी।